आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुकमा जिले के तेलमबाड़ा के जंगल में फोर्स की सतर्कता ने कई जवानों की जान बचा ली। नक्सलवादियों की चाल अगर सफल हो जाती तो आज फोर्स के लिए काफी नुकसान का दिन साबित होता। बस्तर में नक्सलवादियों ने फोर्स के जवानों को ठिकाने लगाने की योजना के तहत सड़क से 50 से 60 मीटर अंदर पेड़ों की आड़ में 4 आदमकद पुतले खड़े किए। इन्हें बाकायदा नक्सली नुमा कपड़े पहनाए और उनके हाथों में बंदूक नुमा लकड़ी के हथियार पकड़ा दिए। सड़क से देखने पर लगा कि मानो पेड़ की ओट में 4 नक्सली हथियार लेकर खड़े हैं। नक्सली जानते थे कि फोर्स जब इस मार्ग से गुजरेगी और इधर देखेगी तो उन्हें लगेगा कि नक्सली में हथियार पेड़ों के पीछे मौजूद है। फोर्स घेराबंदी करेगी, इस दौरान वो पेड़ के समीप पहुंचेगी, तभी आईईडी ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ब्लास्ट होते ही 4-5 जवान शहीद हो जाएंगे और तभी नजदीक छिपे नक्सली फोर्स पर हमला कर हथियार लूट लेंगे। मगर फोर्स की सतर्कता से नक्सलियों की योजना विफल हो गई। आज हमारी तमिलवाड़ा की 150 बटालियन की एक कंपनी एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी चिंता गुफा की तरफ में, तो रोड की लेफ्ट साइड में करीब 100 मीटर अंदर 3 पुतले जिनके हाथ में लकड़ी के वेपन भी लगा के रखे हुए थे वो बरामद हुए। हमारी जैसी वाली पार्टी ने उनको देखा तो उनको लगा कि एक झटके में कि वो नक्सली हैं। उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन किया और उसके बाद में जब कॉर्डन करने के बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो पुतले हैं, तब उन पुतलों के पास में जाके उनको देखा तो बिल्कुल इस तरह के वेपन ऐसा लग रहा था कि जैसे ओरिजिनल वेपन उन्होंने पकड़ा हुआ है। प्रॉपर कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। उनको देखते हुए प्रॉपर तरीके से सारे प्रिकॉशंस लेते हुए उन पुतलों को हटाने का काम किया, तो एक पुतले के पास में रिलीज मैकेनिज्म का एक आईडी लगा हुआ था जिसको बाद में हमारी फोर्स ने बीडीडी टीम ने जो है उसको डेमोलिश किया। हमारे उसमें डीआईजी साहब सुकमा रेंज के भी थे, मैं वहां पर स्वयं मौजूद था, हमारे 2IC मिस्टर मनीष बमोला वो भी वहां पर मौजूद थे और कंपनी कमांडर और उनकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। फोर्स ने जिंदा नक्सली समझकर इन पुतलों को घेरा तो जरूर मगर पेड़ के समीप नहीं गए। फोर्स को कुछ खास हिदायतें दी गई हैं, जिसमें एक हिदायत यह भी है कि कितनी भी धूप गर्मी क्यों ना हो पेड़ की छांव में ना जाएं। फोर्स ने देखा कि यहाँ नक्सली नहीं बल्कि पुतले खड़े किए गए हैं। जब फोर्स ने बारीकी से निरीक्षण किया तो एक पेड़ के नीचे 7 किलो का आईडी बम बरामद हुआ। बरामद बम को वहीं पर निष्क्रिय कर दिया गया। नक्सली इन दिनों फोर्स के साथ सीधी मुठभेड़ से बच रहे हैं। वे आईईडी लैंड माइंस प्रेशर बम और स्पाइक होल के अलावा अब पुतलों के सहारे युद्ध लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।